ये बात तो पता लग गई होगी, अब पबजी अनबैन होने वाला है। देखिए ये तो हमें पता चल गया है, पबजी मोबाइल इंडिया में टेंसेंट से कोई भी पार्टनरशिप नहीं रखेगा, क्योंकि इस बात का रीजन बिल्कुल ऑब्वियस है। अगर चाइना कंपनी एक टेंसेंट है, ऐसा हो सकता है कि गेम के जरिए कुछ इन्फॉर्मेशन निकाले अपने देश की, जिससे उन्हें बेनिफिट हो। आप तो जानते हैं इन रीजन से पबजी मोबाइल बैन हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ऑफिशियल स्टेटमेंट की अनाउंसमेंट पबजी कॉरपोरेशन वालों ने अपनी वेबसाइट पर कर दी है, तो अब इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब ये लोग किस कंपनी से पार्टनरशिप करेंगे? क्या वो कंपनी इंडिया से या बाहर से? अगर मान लो ये लोग अपनी पार्टनरशिप ढूंढ भी लें और सब कुछ सही रहा, कि इंडियन गवर्नमेंट उस गेम को ओपन करेगी? ये कई सारे सवाल होंगे सभी के, है ना? गाइस आप सबकी जानकारी के लिए ये बात आपको बता दूं, पबजी कॉरपोरेशन इंडिया में पार्टनर ढूंढ रहे हैं, जो कि एक इंडियन कंपनी हो। वो लोग उनके साथ कोलैब करना चाहेंगे और पबजी मोबाइल को इंडिया में पब्लिश करना चाहेंगे, ताकि पबजी मोबाइल बैन है ना वो हट जाए। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं कि पबजी कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर ओपन करने वाले हैं और ये न्यूज पब्लिशर की तलाश में हैं। लेकिन इसके बारे में ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट पबजी मोबाइल की तरफ से अभी तक नहीं आया है, और हमें कुछ सोर्सेज से बात पता चली है कि हाँ, पबजी मोबाइल अपनी पार्टनरशिप के लिए कंपनी ढूंढ रहे हैं ताकि इंडिया में पब्लिश कर सकें। लेकिन सिर्फ इंडियन कंपनी की पार्टनरशिप की वजह से गेम अनबैन नहीं होगा, बिकॉज एक हफ्ते पहले गेम बैन होने के तुरंत ही बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी कॉरपोरेशन वालों को कुछ लगभग 70 क्वेरीज भेजी हैं, जिनके आंसर्स के लिए पबजी कॉरपोरेशन वालों ने 3 हफ्तों का वक्त मांगा है। इनमें पब्लिशर और ओनर सिर्फ एक ही हिस्सा हैं, इसमें और भी बहुत सारी क्वेरीज हैं, और पबजी कॉरपोरेशन पूरी कोशिश कर रहा है ताकि रूल्स फॉलो कर सके और हमारी इंडियन गवर्नमेंट को सेटिस्फाई कर सके। वैसे तो इंडिया में बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं और उन्हें यह एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो फाइनेंस और मार्केटिंग दोनों संभालें। और जब पहले टेंसेंट पबजी मोबाइल की पब्लिशर थी, तब कुछ परसेंट अर्निंग टेंसेंट को जाती थी, तो अब ये कुछ परसेंट पैसा है ना जो चाइना को जाता था, अब वो कुछ परसेंट इंडिया में आएगा, है ना ये कूल बात। और दोस्तों, जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ था, तब हम अगले ही दिन से उस एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, और अभी जब हम पबजी मोबाइल अपने मोबाइल में ओपन कर रहे होंगे तो ये ओपन होगा, बिकॉज अभी तक सर्वर बंद नहीं हुआ है। अगर देखे इंडिया में सिक्योर हो जाएंगे प्राइवेसी का जो मसला है ना, तो अब ये सेफ रहेगा, डाटा मिसयूज होने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। अगर इस गेम को अनबैन नहीं करेगी हमारी इंडियन गवर्नमेंट, तो पबजी कॉरपोरेशन इंडिया पबजी लेके आएंगे, ठीक वैसे ही पबजी मोबाइल दूसरे वर्जन में है, जैसे कि कोरियन वर्जन, चाइना वर्जन, वियतनाम वर्जन, और सब कुछ भाई अपने इंडिया से होगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को चाइना से खतरा है। फिलहाल तो दोस्तों, हम आगे की अपडेट के लिए सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। अभी फिलहाल पबजी कॉरपोरेशन की पूरी टीम क्वेरीज को सॉल्व करने में लगी हुई है। अगर पबजी अनबैन हो गया तो क्या हमारी आईडी वापस मिल जाएगी, या हमें नई आईडी के साथ खेलना होगा? ये सारी अपडेट पबजी कॉरपोरेशन वाले ही बता सकते हैं। देखते हैं भाई लोग आगे क्या होता है। उम्मीद है आपको जो भी कन्फ्यूजन थी वो सब सॉल्व हो गई होगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।